again to the another new session of electronic devices by Shishir Das, and here we are going to discuss about the energy band in solid. तो आपने मेरा previous lecture देखा होगा, definitely मैं ये समझता हूँ कि आपने ये समझा होगा कि अगर हम energy band की बात कर रहे हैं, जो कि in general जो भी electronic devices subject पढ़ता होगा उसको नाम भी पता होगा कि बैंड क्या होता है. बैंड मतलब हम बात कर रहे हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड की. ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जिक्र अभी तक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में नहीं किया था. कारण ये कि मैंने आपको प्रीवियस तीन लेक्चर्स में ये बताया कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और अगर उससे हम एक आइसोलेटेड एटम निकाल ले तो उसका एनर्जी लेवल कैसा होता है. मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एनर्जी लेवल, ध्यान रखिएगा. तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ये एनर्जी बैंड जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये एनर्जी लेवल किस तरीके से एनर्जी बैंड बनता है. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज करिए कि मेरे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन एटम्स से बना हुआ है. तो इसका मतलब है कि इसके अंदर काफी सारे सिलिकॉन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, काफी सारे सिलिकॉन एटम्स, मेरा मतलब समझ रहे हैं. यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इसके अंदर सपोज करते हैं कि n एटम्स ऑफ सिलिकॉन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर n एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं और हम उसको अरेंज करके एक सॉलिड भी डिजाइन कर सकते हैं. इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो सॉलिड रखा हुआ है उसमें n एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंडिविजुअल या फिर आइसोलेटेड एटम्स के एनर्जी लेवल्स का एनालिसिस किया है. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले एक सॉलिड के एनर्जी लेवल का एनालिसिस. तो अब अगर हम लोग बोले कि एक सॉलिड में क्या एनर्जी लेवल वैसा ही एग्जिस्ट करता है जैसा एक आइसोलेटेड एटम में एग्जिस्ट करता था, तो इसका आंसर होगा नहीं. क्यों नहीं, उसको हम ढूंढ निकालते हैं एक एग्जाम्पल लेके इसी सॉलिड स्ट्रक्चर का. एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिलिकॉन को लेता हूं और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहां पे लिखता हूं. तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिखने वाले 1s2, then 2s2, then 2p6, then 3s2, and we have lastly 3p2. तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, जो भी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सारा चीज कनेक्टेड है. मेरे पास दो एटम्स कुछ इस तरीके से प्लेस है, और ये दोनों एटम्स के अगर ये जो सर्किल मैंने ये ड्रॉ किया है, ये अगर उसके आउटर मोस्ट शेल है, मैं यहाँ पे दो एटम्स ड्रॉ किया हूँ ए एंड बी. आप ध्यान दीजिएगा मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये उसके आउटर मोस्ट शेल है, मतलब सबसे बाहरी वाला शेल या फिर एनर्जी लेवल. तो ये आउटर मोस्ट शेल, ठीक. अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये आउटर मोस्ट शेल के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, This is known as the inter-atomic distance. ये inter-atomic distance इतना ज़्यादा है कि ये दोनों के outermost shell overlap नहीं हो रहे हैं. उस केस पर मैं बोलूँगा कि ये भी हमारा isolated है और atom A भी isolated है और ये भी isolated atom है. तो ये फर्क है. लेकिन जब हम solid structure बनाते हैं तो कोई भी एटम जो है वो आइसोलेटेड नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि एटम्स जो है धीरे धीरे हम सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे हम उसके एटम्स के बीच के स्पेस को रिड्यूस करते हैं, और जैसे जैसे हम एटम्स के स्पेस को रिड्यूस करते हैं वैसे वैसे आपका एटम जो है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है, और उसके बाद हमको मिलता है कंप्लीट सॉलिड स्ट्रक्चर. इसका मतलब है कि हम जब सॉलिड की बात करेंगे, इस आइसोलेटेड से हम अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं इन दोनों के बीच का इंटरएटमिक स्पेस का जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस डिस्टेंस को मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्टेंस को रिड्यूस करने वाला हूँ. जब मैं डिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे, जब मैं डिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा तो ये दोनों एटम्स का आउटर मोस्ट शेल जो है इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा. अगर आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप हो जाता है और आप देखिए कि आपके पास सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो मैं यहाँ पे उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम्स में बनाता हूँ. ये देखिए मैंने बनाया एटम ए के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटम बी के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, और मैं एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस शेयर्ड मोड में बना दिया. अब आप देखिए कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स को उसका न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट करता है. अब इस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मैं लेमैन की भाषा में समझाऊंगा. अगर ये एटम ए है और इसका न्यूक्लियस इधर है,
तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अट्रैक्शन फोर्स में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम ए का है तो ध्यान दीजिएगा, और यही इलेक्ट्रॉन आप देखिए उतने ही डिस्टेंस पे है एटम बी के न्यूक्लियस से, और ये इसके भी अट्रैक्शन फोर्स में है। इसका मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉन पे दो डिफरेंट फोर्सेस लग सकते हैं अगर उनका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए तो, एक ही इलेक्ट्रॉन पे दो डिफरेंट फोर्सेस। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस उस पोजीशन पे नहीं हो पाएगा जिस पोजीशन को वो एग्जैक्टली आपको एक आइसोलेटेड एटम में दिख रहा था, उस केस में उसका पोजीशन भी चेंज होगा और उस केस में आपका एनर्जी लेवल का डायग्राम भी चेंज होगा। अगर एनर्जी लेवल का डायग्राम चेंज होता है तो एक नया लेवल आपको क्रिएट होके मिलेगा और उस लेवल को हम लोग एक नए नाम से जानेंगे और वही नाम जो है वो एनर्जी बैंड कहलाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने इन सब बातों को समझ लिया है, डेफिनेटली हर एक इलेक्ट्रॉन पे इसका असर पड़ेगा, तो ये इधर भी अट्रैक्ट होगा, ये इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो इसी को थ्योरेटिकली पाउलिस ने लिखा है और हम उसको समझेंगे। लेकिन अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमको पता है कि यहाँ पे n एटम्स एग्जिस्ट करता है और मैंने तो सिर्फ एक ही सिलिकॉन एटम का एटॉमिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं n एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिखूं तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे अगर एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन है तो n एटम के 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे अगर एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन है तो n एटम इस सॉलिड स्ट्रक्चर में n एटम के 2n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब हम एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस ग्राफ पे। इस ग्राफ को मैं y एक्सिस में एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता हूँ और x एक्सिस में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस x लिखता हूँ। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस मतलब आप समझ रहे हैं कि ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, x इज नथिंग बट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं सपोज सेंटीमीटर में, जैसे हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इंडिविजुअली अगर एक आइसोलेटेड एटम की बात करूं तो उसके एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये मैंने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर दी सपोज, तो इस एनर्जी लेवल्स को नामकरण कर देते हैं। पहला वाला लेवल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट लाइन से और ये हो जाएगा 1s2, देन सेकंड में 2s2, देन थर्ड में 2p6, देन फोर्थ में 3s2, देन फिफ्थ में वी आर हैविंग 3p2। तो आप देख सकते हैं कि इनर शेल्स जो है वो इन वो आप टू तो आप देख सकते हैं कि इनर शेल्स जो है वो इन वो आपके इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इस इनका ओवरलैप नहीं हुआ है, इनर शेल का ओवरलैप नहीं हुआ है। मैंने रीजन बताया था क्योंकि न्यूक्लियस का रिफ्लेक्शन रिपल्शन फोर्स इसमें एक्ट करेगा दोनों पॉजिटिव चार्ज के वजह से, जिसकी वजह से इनर शेल्स जो है वो ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। लेकिन मैं बात करूं कि आउटर शेल का, तो इनर शेल्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आउटर शेल तो ओवरलैप है और आउटर शेल कौन सा है, ये थर्ड जो एनर्जी लेवल है ये आउटर शेल। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम लोग एन एटम्स की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिसाइड कर सकते हैं, ये पी सब शेल है, पी सब शेल में एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं। तो कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे यहाँ पे, 6 n स्टेट्स होंगे। ये बात कई लोग समझ नहीं पाते क्योंकि मैं n एटम्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे 6 n स्टेट्स अवेलेबल होंगे। लेकिन उसमें से कितने स्टेट्स फील्ड होंगे आप ध्यान दीजिएगा, उसमें से 2n स्टेट्स जो है वो फील्ड होंगे क्योंकि इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि पी सब शेल के पास, आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि पी सब शेल के पास कितने एनर्जी स्टेट्स होते हैं, 6, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। इसका मतलब है 2n स्टेट जो है वो आपके पास फील्ड है और 6n स्टेट जो है वो अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम उसके नीचे 3s2 की बात करें तो s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल मतलब कितने एनर्जी स्टेट्स, ओनली 2 एनर्जी स्टेट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2n स्टेट्स अवेलेबल है, लेकिन उस 2n स्टेट्स में कितने फील्ड है, उसमें फील्ड है आपके पास सारे 2n के 2n जो है वो स्टेट जो है वो आपके फील्ड है। तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके पास 6n स्टेट्स है, 2n फील्ड है, यहाँ पे 2n स्टेट्स है और 2n फील्ड है। टोटल कितने स्टेट्स आपके पास अवेलेबल हो गए थर्ड सबशेल में,
थर्ड सेल में, वो हो गए आपके पास 6+2, दैट इज टोटल 8 स्टेट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन फील्ड कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स, 2n इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n स्टेट्स जो है वो फील्ड है, टोटल 8n स्टेट्स अवेलेबल है अगर हम लोग एक सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करें। अगर हम लोग सिंपली एक आइसोलेटेड एटम की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 स्टेट्स अवेलेबल है, p सबशेल में 2 स्टेट्स फील्ड है, लेकिन अगर हम लोग n एटम्स की बात करें एक सॉलिड स्ट्रक्चर में, उस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि आपके पास 6n स्टेट्स अवेलेबल है जिसमें से 2n स्टेट्स जो फील्ड है, किसमें, p सबशेल में, और s में बोले तो 2n स्टेट्स अवेलेबल है और 2n स्टेट्स फील्ड है। लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट और है, और वो साइंटिस्ट पहले भी एक थ्योरी दे चुके हैं, और वो साइंटिस्ट है पॉलिस। उन्होंने बोला कि जब भी आपके पास कोई इंट्रैक्टिव सिस्टम होता है तो डेफिनेटली आउटर मोस्ट शेल तो ओवरलैप करता ही है, और उसके साथ साथ उन्होंने थ्योरी दिया कि इन एन इंट्रैक्टिव सिस्टम नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम एनर्जी स्टेट, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेट्स में नहीं रिसाइड कर सकते अगर आपका सिस्टम इंट्रैक्टिव है तो। इंट्रैक्टिव सिस्टम मतलब सॉलिड स्टेट, और आप देखिए यहाँ पे क्या करके रखे हुए हैं, आपने यहाँ पे बोला है कि एक ही एनर्जी स्टेट्स है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 2n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ऐसा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखिए एक ही एनर्जी स्टेट है, मैं लाइन खींचूंगा, देखिए एक ही एनर्जी स्टेट है और उसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और n की वैल्यू मान लीजिए 1000 है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, 2000 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी स्टेट्स में अवेलेबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आप इंटरएटमिक स्पेस को रिड्यूस करेंगे तभी जाके आपके पास एक इंट्रैक्टिव सिस्टम मिलेगा, और इंट्रैक्टिव सिस्टम मतलब आउटर मोस्ट शेल का ओवरलैप, और आउटर मोस्ट शेल का ओवरलैप मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो अलग अलग एटम्स का एक ही इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, उस समय इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही स्टेट्स पे अवेलेबल नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली भी ये देखा गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस एनर्जी स्टेट्स का स्प्लिटिंग हो जाएगा और यहाँ पे इस एनर्जी स्टेट्स की भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो जब ये एनर्जी स्टेट्स स्प्लिटिंग होगी तो इस केस में आपके पास काफी सारे एनर्जी स्टेट्स नए फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफी सारे नए स्टेट्स आपके पास फिर यहाँ पे स्प्लिट होके फॉर्म होंगे। कब होंगे, जब आपका डिस्टेंस 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो मैं 7 एंगस्ट्रॉम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया हूँ, लेकिन आप जो बुक्स में देखते हैं तो उसमें ऐसा स्प्लिटिंग इस तरीके से नहीं दिखाता, उसमें स्प्लिटिंग आपको दिखाता है कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, ये आपको ऐसा स्प्लिटिंग मिलेगा, तो ये वही स्प्लिटिंग है एक्चुअली में। यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स काफी सारे फॉर्म हुए थे वो यहाँ पे शोड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से, तो इसका मतलब ये बोल रहा हूं कि आपके पास जो एनर्जी 2n स्टेट्स यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही एनर्जी स्टेट्स पे थे, वो 2n इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स के में चले जाएंगे, क्योंकि इन एन इंट्रैक्टिव सिस्टम नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम एनर्जी स्टेट्स, ये पाउली ने बोला, तो डेफिनेटली हर एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स मिलना चाहिए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स होगा, इससे आपको दो एनर्जी बैंड्स मिलेंगे, एक मिलेगा वैलेंस बैंड और एक मिलेगा कंडक्शन बैंड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2n स्टेट्स फील्ड थे, यहाँ पे भी 2n स्टेट्स फील्ड थे, टोटल हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4n इलेक्ट्रॉन्स थे, और टोटल स्टेट्स कितने थे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन्स थे और स्टेट्स कितने थे, 8n स्टेट्स जो है वो अवेलेबल थे, तो आधे ही इलेक्ट्रॉन्स थे और आधे स्टेट्स जो है वो एम्प्टी है, टोटल 8n स्टेट्स थे उसमें से 4n इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट्स में अपने आप को स्टेबल मानता है, ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट्स में अपने आप को स्टेबल मानता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी स्टेट्स हुआ तो उस समय जितने भी 4n इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोअर एनर्जी स्टेट्स में आ गए और जितने भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे वो सारे स्टेट्स जो है वो अपर स्टेट्स में आ गए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कौन सा स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट्स में अपने आप को स्टेबल मानता है।
तो डेफिनेटली हमारे पास अपर एनर्जी स्टेट्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो सारे एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी होंगे, और लोअर एनर्जी स्टेट्स में जितने भी एनर्जी स्टेट्स है वो सारे स्टेट्स जो है वो फिल्ड होंगे। इस तरीके से दो बैंड्स का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर वाला बैंड कहलाया कंडक्शन बैंड और नीचे वाला बैंड कहलाया वैलेंस बैंड। और ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है, ये बंच ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, ये बंच ऑफ एनर्जी स्टेट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ किसका, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बैंड का डेफिनेशन भी बताया है, ये है क्लोजली स्पेस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है जो एक दूसरे के बिल्कुल पास है लेकिन वो एक दूसरे से अलग है, पास है लेकिन अलग है, क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो इसी को हम जब किसी बुक्स में देखते हैं तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से बनता है, कंडक्शन बैंड और उसके नीचे में वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक एरिया ऐसा भी छोड़ा है यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे कोई भी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, और इस पर्टिकुलर स्पेस को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। So, ये एनर्जी गैप में आपके पास कोई भी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल नहीं होता, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई फुट स्टेप नहीं होता जहां पे आप पैर रख सके, मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी लेवल अवेलेबल नहीं होता जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सके, इसलिए इसको हम लोग एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, किस तरीके से एक सॉलिड में एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो किसी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हम लोग कंपल्शन इन दोनों के डिस्टेंस को और रिड्यूस कर दे 7 एंगस्ट्रॉम से तो क्या यहाँ पे इन सारे एनर्जी लेवल्स की भी स्प्लिटिंग होगी, डेफिनेटली सबसे लोअर वाले एनर्जी स्टेट्स की स्प्लिटिंग सबसे बाद होगी, और उसके बाद ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो स्प्लिटिंग सारे एनर्जी लेवल्स की हो सकती है लेकिन सबसे पहले एट ए एप्रोप्रिएट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सबसे पहले आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की ही स्प्लिटिंग होती है, और बाकी एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग करनी है तो आपको जबरदस्ती इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और ज्यादा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक समराइज वे में आपको एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग इस एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन को समझ पाए होंगे, तो मैं इसकी थ्योरी और ये डायग्राम जो है वो प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू कैन यूज इट फॉर योर नोट्स। ओके, हम मिलेंगे फिर अगले सेशन में।